कैश बुक वाला जो टॉपिक चल रहा है, और कैश बुक में सिंपल कैश बुक का मैंने आपको बता दिया था पहले, और टू कॉलम कैश बुक का एक इलस्ट्रेशन मैंने आपको बता दिया था। अब आपके दूसरा इलस्ट्रेशन देखो, टू कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट आपको ध्यान है कि ये आपके कॉलम है, तो इस प्रकार से डेबिट साइड के 6 कॉलम हो जाते हैं और 6 कॉलम ही आपके क्रेडिट साइड के हो जाएंगे, डेट पर्टिकुलर वाउचर नंबर और LF। ये कॉलम तो आपके सिंपल कैश बुक में भी थे, उसमें अमाउंट का एक ही कॉलम था, इसमें 2 हो जाते हैं डिस्काउंट और कैश का, डेबिट साइड में और ऐसे क्रेडिट साइड में, यानी कि एक एक कॉलम बढ़ जाते हैं तो अमाउंट के 2 कॉलम हो जाते हैं, इसलिए ये 2 कॉलम कैश बुक है। अच्छा, इसका मैंने नियम आपको बता दिया था कि एंट्री का आप देखो, सबसे पहले आप एंट्री का ध्यान रखो कि एंट्री अगर आपको ध्यान है, सही एंट्री है, तो इसमें आपसे गलती नहीं होगी। एंट्री में डिस्काउंट को डेबिट किया है तो डेबिट साइड के डिस्काउंट कॉलम, एंट्री में डिस्काउंट को क्रेडिट किया है तो क्रेडिट साइड में, एंट्री में कैश को डेबिट किया है तो डेबिट साइड में लिखेंगे, और एंट्री में कैश को क्रेडिट किया तो क्रेडिट साइड में, लेकिन नाम आएगा विपरीत पक्ष का। डिस्काउंट का तो केवल अमाउंट ही आता है, कैश में नाम विपरीत पक्ष का आता है, बस एंट्री का ध्यान रखना कि डेबिट किया तो डेबिट पक्ष में लेकिन नाम विपरीत पक्ष का, एंट्री में कैश को क्रेडिट किया तो क्रेडिट साइड में लेकिन नाम विपरीत पक्ष, ठीक है। तो अब आपके दूसरा इलस्ट्रेशन में आपको और बता रहा हूँ, टू कॉलम कैश बुक का, इसमें दे रखा है कैश बैलेंस 7,000 रुपये 1 मई को, तो इसमें दे रखा है 2016 1 मई कैश बैलेंस, तो महीने के प्रारंभ में रोकर का जो शेष होता है उसको हम टू बैलेंस बीडी के नाम से दिखाते हैं, टू बैलेंस बीडी, और ये बैलेंस है वो कितना था 7,000, इसमें दिखाएंगे कैश कॉलम, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में देखो, हरीश से 1700 रुपये प्राप्त हुए, 50 रुपये बट्टा दिया। देखो मैं आपको एंट्री बता देता हूँ, हरीश से 1700 रुपये प्राप्त हुए, 50 रुपये बट्टा दिया, तो देने वाला इसमें हरीश है, यानी कि देखो इसमें तीनों खाते प्रभावित हो रहे हैं, व्यक्तिगत, वस्तुगत और अवास्तविक। हरीश से 1700 रुपये प्राप्त हुए, हरीश व्यक्तिगत खाते में रुपये प्राप्त हुए, कैश वस्तुगत खाते में, और बट्टा है वो आपके अवास्तविक खाते में, ठीक है। व्यक्तिगत खाते का नियम, पाने वाले को डेबिट करो, ठीक है, तो पाने वाले तो हमें हमारा नाम नहीं लिखेंगे, देने वाले को क्रेडिट करो, देने वाला कौन है, हरीश, हरीश अकाउंट। जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो, क्या रहा है हमारे पास, कैश, कैश को डेबिट कर देंगे। अच्छा, इसमें बट्टा दिया है, बट्टा दिया है तो डिस्काउंट अवास्तविक खाते के नियम के अनुसार हानि है, इसलिए डिस्काउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें जो कैश है वो है आपके 1700 रुपए, तो बट्टा कितना हो गया 50 रुपए, हरीश के खाते में कितनी राशि आ जाएगी 1750 रुपए। इसका मतलब है कि हरीश से टोटल 1750 रुपए लेने थे, 1700 रुपए हमने प्राप्त कर लिए, 50 रुपए का बट्टा दे दिया। अब देखो एंट्री के अनुसार तो इसमें देखो तीन लेजर हो गए, कैश अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट और हरीश अकाउंट, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको बताया था, एंट्री में हमने कैश को डेबिट किया है तो किस साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड में, नाम आएगा विपरीत पक्ष का, किसका आ जाएगा, हरीश का, ठीक है। और इसमें डेट दे रखी है मई 5, और अमाउंट आएगा किसका, कैश का 1700 रुपए। अच्छा, एंट्री में डिस्काउंट को डेबिट किया मैंने बताया था, एंट्री में अगर डिस्काउंट को डेबिट किया तो उसको भी डेबिट साइड में दिखाएंगे, बस इसी के सामने दिखा देंगे डिस्काउंट में 50 रुपए, इसकी अलग से कोई एंट्री होती नहीं, ये इस एंट्री के अनुसार आपके ये हो जाएगा। आप इससे पहले मैंने आपको एंट्री करके बताई थी इसी प्रकार से करना था, तो ये तो हो गई आपकी इसकी ये एंट्री। अब इसके बाद में देखो आगे, रोकड़ में माल खरीदा 1160 रुपये, देखो 1160 रुपये का नकद माल खरीदा, रोकड़ में माल खरीदा या नकद माल खरीदा, बात एक ही है, नकद माल खरीदा यानी कि माल आ रहा है और रोकड़ जा रही है, एक ही खाता प्रभावित हो रहा है, वस्तुगत खाता, और वस्तुगत खाते का नियम क्या है, जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो, जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो, माल आ रहा है यानी कि खरीदा है, परचेज को डेबिट कर देंगे, और क्या जा रहा है, कैश, कैश को क्रेडिट कर देंगे,
यानी कि एंट्री हमने की परचेज अकाउंट या टू कैश। तो एंट्री में हमने कैश को क्रेडिट किया है तो किस साइड में लिखेंगे? क्रेडिट साइड में, लेकिन नाम आएगा विपरीत पक्ष का, किसका जाएगा? परचेज का, बाय परचेज, ठीक है। और अमाउंट कितना है? 1160 रुपये। और डेट इसमें जो दे रखी है 6 मई 2006, ठीक है, ये आपके एंट्री हो गई। इसके बाद में देखो, नकद माल बेचा 1640 रुपये। अब नकद माल बेचा, इसमें वही वस्तुगत खाता प्रभावित हो रहा है, रोकड़ आ रही है, माल जा रहा है, यानी कि कैश अकाउंट या टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट या टू सेल्स अकाउंट। एंट्री में हमने कैश को डेबिट किया है, किस साइड में लिखेंगे? डेबिट साइड में। नाम आ जाएगा विपरीत पक्ष का, यानी कि सेल्स का, ठीक है। और अमाउंट है आपके 1140 रुपये, ठीक है। और डेट दे रखी है, नहीं, 1640 रुपये, अमाउंट दे रखी है आपके 1640 रुपये, और डेट है आपके मई 8, ठीक है। ये हो गया नगद माल बेचा, इस प्रकार से दिखा देगी, क्योंकि एंट्री हमने क्या की थी? कैश अकाउंट या टू सेल्स। तो एंट्री में हमने कैश को डेबिट किया है, इसलिए कैश कॉलम के डेबिट साइड में नाम आ गया सेल्स, ठीक है। इसके बाद में देखो आगे, आगे दे रखा है कि श्याम से 900 रुपए का चेक प्राप्त हुआ और बट्टा दिया 20 रुपए। श्याम से 900 रुपए का चेक प्राप्त हुआ और 20 रुपए का बट्टा दिया। मैंने बताया था कि चेक आता है तो चेक को हम कैश मानते हैं। अच्छा, इसमें इतना ही दे रखा है कि चेक आया, इसका मतलब चेक व्यापार में बैंक में जमा नहीं कराया। अगर बैंक में जमा कराया होता तो हम बैंक का नाम करते। तो श्याम से चेक प्राप्त हुआ यानी कि कैश आ रहा है, तो हम एंट्री है वो क्या करेंगे? कैश अकाउंट डीआर टू श्याम, ठीक है। अच्छा, कैश चेक है वो कितने का रहा है? 900 रुपए का, और इसमें दे रखा है बट्टा दिया, डिस्काउंट भी है, तो डिस्काउंट को हम डेबिट कर देंगे। बट्टा दिया है तो डिस्काउंट को भी डेबिट कर देंगे, और बट्टा है वो कितना है? 20 रुपए। इसका मतलब है श्याम के खाते में राशि कितनी लिख देंगे? 920 रुपए। इसका मतलब है कि श्याम से पैसा कितना लेना था? 920 रुपये लेना था, लेकिन हमने 900 रुपये का चेक प्राप्त करके उसका हिसाब का निपटारा कर दिया, 20 रुपये का बट्टा दे दिया। एंट्री के अनुसार तो तीन लेजर हो गई, कैश अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट और श्याम अकाउंट, लेकिन हमारे दो ही कॉलम है कैश और डिस्काउंट, मतलब दो का ही लेजर है, तो दो का बनाएंगे। और हमने एंट्री में दोनों को डेबिट किया है, कैश को भी डेबिट किया, डिस्काउंट को डेबिट किया, तो दोनों को किस साइड में लिखेंगे? डेबिट साइड में, ठीक है। तो कैश को हमने डेबिट किया है डेबिट साइड में, नाम आ जाएगा विपरीत पक्ष का, किसका आ जाएगा? श्याम का, ठीक है। अमाउंट कैश का वही आएगा 900 रुपए, और बट्टा जो दिया है डिस्काउंट को डेबिट किया तो डेबिट साइड में 20 रुपए, ठीक है। और अमाउंट डेट जो दे रखी है वो है मई 11, ठीक, ये इसकी हमने एंट्री कर दी। अब देखो आगे, आगे दे रखा है सुरेश को 2500 रुपए दिए और बट्टा प्राप्त किया। सुरेश को 2500 रुपए दिए और बट्टा प्राप्त किया 100 रुपए, तो पाने वाला कौन है? सुरेश। तो एंट्री है वो हम क्या कर देंगे? सुरेश अकाउंट दिया, रोकड़ जारी हमारे पास से, तो कैश को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। और बट्टा हमने प्राप्त किया है तो डिस्काउंट प्राप्त किया है तो डिस्काउंट को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे टू डिस्काउंट अकाउंट। तो डिस्काउंट में अमाउंट कितना आ गया? 100 रुपये, क्योंकि बट्टा 100 रुपये है। और कैश हमने कितना दिया है? 2500 रुपये। और सुरेश के खाते में राशि कितनी लिखेंगे? 2600 रुपये। इसका मतलब है कि सुरेश को चुकाने तो 2600 रुपये थे, लेकिन हमने 2500 रुपये में हिसाब का निपटारा कर दिया, सेटलमेंट कर दिया, तो इसका मतलब है 100 रुपये का बट्टा प्राप्त हो गया। अब इस एंट्री के अनुसार ही आपके लेजर तो तीन, लेकिन हम तो कैश और डिस्काउंट ही करते हैं, क्योंकि दो कॉलम है कैश और डिस्काउंट। और एंट्री में कैश और डिस्काउंट दोनों को क्रेडिट किया तो किस साइड में लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। और डेट है इसकी मई 17। तो एंट्री में कैश को हमने क्रेडिट किया, क्रेडिट साइड में नाम किसका आ जाएगा? सुरेश का, बाय सुरेश, ठीक है। अमाउंट आपके कैश का ही आएगा 2500 रुपये, और डिस्काउंट को क्रेडिट किया है, इसको भी क्रेडिट साइड में लिखेंगे कितना? 100 रुपये, इसी के सामने, ठीक है।
भी आपकी इसकी एंट्री हो जाएगी। आगे देखा है 22 मई को नकद माल बेचा, और नकद माल बेचा 1900 रुपये का। देखो नकद माल बेचा, रोकड़ आ रही है, माल जा रहा है, यानी कि एंट्री हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डी आर टू सेल्स अकाउंट की एंट्री होगी। एंट्री में हमने कैश को डेबिट किया है, डेबिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, सेल्स का आ जाएगा, ठीक है। 1900 रुपये का माल बेचा है, 1900 रुपये दिखा देंगे, ठीक है। और डेट है आपके 22, तो मई 22 ये आपके आ जाएगा 1900 रुपये। इसके बाद में है मई 24, भोलू से माल खरीदा, भोलू से माल खरीदा 2000 रुपये। अब देखो भोलू से माल खरीदा है तो नकद खरीदा, उधार खरीदा, मैंने बताया था आपको कि व्यक्ति या संस्था का नाम आता है वो लेन देन उधार माना जाता है, तो ये तो लेन देन उधार हो गया, यानी कि हम एंट्री क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डी आर टू भोलू। और मैंने बताया था कि कैश बुक में चाहे कोई सी भी कैश बुक हो, सिंपल कैश बुक हो, टू कॉलम हो, थ्री कॉलम कैश बुक हो या और कोई हो, सभी में केवल कैश वाले ट्रांजेक्शन है वही दिखाते हैं, नकद जो लेन देन होते हैं वही दिखाते हैं, उधार लेन देनों का लेखा नहीं होता है, इसलिए हम इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। अगर किसी व्यक्ति या संस्था का नाम दे रखा है, उससे माल खरीदा या माल बेचा, तो उसकी हम एंट्री इसमें नहीं करेंगे, केवल रोकड़ी लेन देनों का ही लेखा करते हैं। इसके बाद में दे रखा है मजदूरी चुकाई 200 रुपये 25 मई को। देखो मजदूरी चुकाई अवास्तविक खाता प्रभावित हो रहा है, एंट्री हम क्या करेंगे, वेजेज अकाउंट डी आर टू कैश। एंट्री में हमने कैश को क्रेडिट किया है तो क्रेडिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, वेजेज का, 25 मई, और मजदूरी हमने चुकाई है 200 रुपये, तो ये कैश कॉलम में आपके 200 रुपये आ गए। इसके बाद में दे रखा है कि नरेंद्र को 1400 रुपये की जगह पूर्ण भुगतान में 1360 रुपये चुकाए नरेंद्र को। अब देखो इसमें बट्टा हो गया, नरेंद्र को चुकाए हैं तो पाने वाला इसमें कौन है, नरेंद्र, तो नरेंद्र को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो टू कैश अकाउंट। अच्छा इसमें कम चुकाए पैसा तो बट्टा हमने प्राप्त किया है तो डिस्काउंट को हम क्या कर देंगे, इसमें क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो ये एंट्री हो जाएगी नरेंद्र अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट अकाउंट। अच्छा देने थे हमारे को 1400 रुपये, तो नरेंद्र के खाते में तो 1400 रुपये लिख देंगे, और दिए हमने कितने 1360 रुपये, इसका मतलब है बट्टा हमने कितना प्राप्त कर लिया, 40 रुपये। अगर किसी को पूर्ण भुगतान में, फुल सेटलमेंट में कम पैसा चुका रहे तो इसका मतलब है बट्टा हमारे को प्राप्त हुआ है, और बट्टा प्राप्त हुआ है तो डिस्काउंट हमेशा क्रेडिट होता है, सोचने की जरूरत नहीं है, नियम लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भुगतान हम कर रहे हैं तो बट्टा प्राप्त होता है, और हम भुगतान प्राप्त करते हैं तो हम बट्टा देते हैं, उसमें डिस्काउंट डेबिट होता है। तो ये एंट्री होती है नरेंद्र अकाउंट डी आर टू कैश टू डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है। और ये एंट्री थी आपकी 28 मई की। अब देखो इस एंट्री में लेजर तो आपके तीन है, लेकिन हमारे को कैश और डिस्काउंट की करनी है। कैश और डिस्काउंट दोनों को हमने क्रेडिट किया तो किस साइड में दिखाएंगे, क्रेडिट साइड। तो कैश को हमने क्रेडिट किया है क्रेडिट साइड में, नाम किसका आ जाएगा, नरेंद्र का, तो और नाम नरेंद्र का, और कैश का अमाउंट कितना है, 1360 रुपये। और डिस्काउंट को हमने क्रेडिट किया, इसको भी क्रेडिट साइड में, डिस्काउंट के कॉलम में 40 रुपये, ठीक है। और डेट थी आपके 28 मई, ये आपके इस पर एंट्री हो गई। इसके बाद में देखा है वेतन चुकाया 30 मई, वेतन चुकाया तो एंट्री हम क्या करते हैं, सैलरी अकाउंट डी आर टू कैश। तो कैश को हमने क्रेडिट किया क्रेडिट साइड में, नाम किसका आ जाएगा, सैलरी का, और वेतन हमने जो है वो कितना चुकाया है, 2400 रुपये, तो 2400 रुपये कैश कॉलम में दिखा देंगे, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में है लास्ट में है राम को माल बेचा। अच्छा इसमें देखो कोई व्यक्ति या संस्था का नाम आता है तो मैं उधार लेन देन होता है, उधार लेन देनों की इसमें कोई एंट्री नहीं करते हैं, ध्यान रखना है, यही गलती होती है इसमें। राम को माल बेचा, उधार माल बेचा है, इसलिए इसमें एंट्री नहीं करेंगे, यानी कि इसमें केवल आपके ये जो ट्रांजेक्शन है केवल इन्हीं की एंट्री करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसका ही टोटल लगा लेंगे। तो इसमें डिस्काउंट का तो जितना टोटल है वही लगा देंगे हम, तो इसका देखो आपके डी आर साइड का आपके कितना है, 70 रुपये,
और इसका आपके 140 है तो 140 दिखा देंगे। हमेशा डीआर साइड का टोटल है वही ज़्यादा आता है, इसमें डेबिट साइड का टोटल है आपके 13,140 क्योंकि इसका टोटल ज़्यादा आता है, और क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो आ रहा है 7,620। तो 13,140 में से 7,620 कटा देंगे तो अभी मई आपके 31 मई को अब जो बैलेंस है वो कितना बचा, अब रोकड़ कितनी बची उसको दिखा देंगे बाई बैलेंस सीडी। अंतिम जो शेष होता है अंत में उसको सीडी के नाम से दिखाते हैं कैरी डाउन, तो वो कितना बचा आपके 5,520। ठीक है, तो अब इसका टोटल आपके लिए बराबर हो जाएगा 13,140। तो ये आपके टू कॉलम कैश बुक कंप्लीट हो गई, तो इसको आप एक बार फिर से रिपीट